Ode to the West Wind continuation. Thou who didst waken from the summer dreams a blue Mediterranean. पहले दो स्टैंजाज में हमने किया वेस्ट विंड का जो पावर का इम्पैक्ट है वो धरती पे कैसे क्या होता है और आकाश में क्या होता है. अब पानी के अंदर वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट होता है, वेस्ट विंड का जो पावर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है. अब कौन से इन्होंने समुद्र की बात करी है, ब्लू मेडिटेरेनियन. वेरी ले लल्ड बाय द कॉयल ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स. अब मेडिटेरेनियन शांति से बह रहा है, चारों तरफ से क्रिस्टलाइन एकदम साफ सुथरा स्ट्रीम से पानी जो है उसके अंदर आ रहा है. बिसाइड्स अ प्यूमस आइसल इन बेज बे. और लोकेशन क्या है, प्यूमस आइसल यानी आइलैंड इन बेज बे. एंड सो इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद द वेव्स इंटेंसर डे. और कवि कहते हैं कि यूजुअली वो पानी इतना क्लियर होता है कि उसके अंदर आप अगर झाँके तो आपको उसकी जो दूसरी दुनिया है वो नज़र आती है. ऑल ओवर ग्रोन विद एज़्योर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस पेंस पिक्चरिंग देम. और जब आप देखो तो अंदर इतने खूबसूरत जो पौधे दिखते हैं, ग्रीनरी दिखती है, फ्लावर्स दिखते हैं. और दाउ फॉर हूज पाथ द एटलांटिक लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू चास्म. लेकिन जब वेस्ट विंड आती है तो ऐसा लगता है चास्म बन गया. चास्म बन गया यानी वो दो टुकड़ों में फट जाती है नदी. वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स विद द ऊजी वुड्स विच वेयर द सैपलेस फॉयलेज ऑफ द ओशन. और सबसे नीचे हमको क्या दिखता है कि जो नीचे की जो वेजिटेशन है वो डर के मारे उसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं. नो दाई वॉइस. जो ही वेस्ट विंड आने का टाइम होता है, नीचे के पौधे जो है, नीचे के पत्ते जो हैं, उनको पता है वेस्ट विंड आता है और वो डर जाते हैं. दे ग्रो ग्रे विथ फियर एंड ट्रम्बल एंड डिस्पॉयल देमसेल्व्स ओवर हियर. और उनके पत्ते गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं. यानी एक शांत आपका माइंड जब पड़ा होता है, जब उसके अंदर कोई ऐसे विचार नहीं होते, डेड होता है आपका माइंड, डिप्रेशन में होते हैं आप, तो वेस्ट विंड एक ऐसी ताकत के साथ आता है कि जो आपके डेड विचार हैं, जो आपके बुरे विचार हैं, वो सब हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं और नए विचारों के लिए जगह बन जाती है. ये इम्पैक्ट है वेस्ट विंड का पानी के अंदर. यानी वेस्ट विंड के जो भी इम्पैक्ट हैं, एक तो हम फिज़िकल देखते हैं कि नेचर पे क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा हम देखते हैं कि कवि के माइंड में, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के माइंड में उसका क्या इम्पैक्ट होता है. अब कवि कहते हैं, इफ़ आई वर अ डेड लीव दाउ माइटेस्ट बियर, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अ वेव टू पैन बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ. कवि कहते हैं कि अगर मैं एक पत्ती होता, या एक क्लाउड होता, या एक लहर होता पानी की, तो क्या होता, तो तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे पास भी लाती, मुझसे ही शेयर करती. ओनली लेस फ्री देन दाउ. कवि कहते हैं एक ऐसा समय था जब मैं भी तुम्हारे ही तरह पावरफुल था. ओ अनकंट्रोलेबल. वो वेस्ट विंड को कहते हैं अनकंट्रोलेबल. यानी पहले जब कवि यंग थे, जब उनके घर दिमाग में या उनके जीवन में इतनी परेशानियां नहीं थी, तो वो भी अनकंट्रोलेबल थे. If even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven and then went to outstrip thy sky speed, scarce seemed a vision. और जब पहले की बात करते हैं कभी, तो कहते हैं तुम क्या सोचती हो वेस्ट विंड कि तुम्हारे में ही ताकत है. जब मैं छोटा था पास्ट में, तो मेरे अंदर भी इतना ताकत था कि तुम्हारी स्पीड को मैं हरा देता और आगे बढ़ जाता. मेरे लिए वो scarce seem a vision, यानी वो कोई एक विजन नहीं होता, वो रियलिटी थी कि मैं तुम्हें हरा देता. आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन एज डज विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड. लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ. सोर नीड, नीड यानी मेरे को तुम्हारी आवश्यकता है. ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड. जैसे कि तुम शक्ति देती हो एक लहर को, एक पत्ती को, एक बादल को, उसी तरह से तुम मुझे भी सपोर्ट दो, तो मुझे भी ताकत दो. आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई प्लीड. मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ. आई ब्लीड यानी मेरे विचार जो हैं वो बहुत दुखी विचार हो गए हैं. मेरा जीवन जो है उथल पुथल हो गया है. अभी मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है. अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज एंड बाउड मी. बहुत सारे जीवन में मेरी ऐसी समस्याएं आई हैं जिसकी वजह से मैं बंध गया हूँ, मैं झुक गया हूँ. चेंड एंड बाउड. चेंड का मतलब मैं बंध गया हूँ, और बाउड का मतलब मैं झुक गया हूँ. वन टू लाइक दी. किसी ज़माने में मैं तुम्हारे जैसा ही था. टेमलेस एंड स्विफ्ट. न तो उसको टेम किया जा सकता था, यानी न तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था. स्विफ्ट एंड प्राउड. यानी कवि अपने को वेस्ट विंड से कंपेयर करते हैं और कहते हैं मेरे अंदर तुम्हारे जैसे ही ताकत थी.
तुम्हारे जैसी ही शक्ति थी, लेकिन अब जीवन के आपाधापी में, जीवन के बहुत सारे संघर्षों के कारण मैं झुक गया हूँ, मैं बंध गया हूँ, और वो वेस्ट विंड से ताकत मांगते हैं। कभी कहते हैं मेक मी दाई लायर, लायर इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इवन एज अ फॉरेस्ट इज, जैसे कि तुम फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर तेज़ी से जब उड़ती हो तो तरह तरह की साउंड्स आती हैं, तो मुझे भी अपना लायर बना लो। व्हाट इफ़ माय लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, ठीक है अभी मेरे लीव्स गिर रहे हैं, यानी मेरी एक ऐसी उम्र हो गई है, मेरे विचार जो हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमनीज, लेकिन तुम अगर मुझे शक्ति दोगी तो मैं बहुत सुंदर हारमोनी, बहुत अच्छी जो गीत है वो कह पाऊँगा। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल नोट स्वीट दो इन सैडनेस, और फिर जो मैं कविताएँ लिखूँगा, जो मैं कहानियाँ लिखूँगा, जो मैं गीत लिखूँगा, वो बहुत खूबसूरत होंगे, मीठे होंगे, दो इन सैडनेस, दुख तो है बट लेकिन तुम्हारी शक्ति की वजह से मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँगा। विदाउट स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, तुम्हारी जो स्पिरिट है, फियर्स स्पिरिट है, ताकतवर स्पिरिट है, मेरी बन जाओ। विदाउ मी तुम मुझ में समा जाओ। इम्पीचियस वन, इम्पीचियस यानी जो कि थोड़ा इम्पेशेंट होता है, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि तुम पत्तों को, सूखे पत्तों को, सूखे विचारों को, गलत विचारों को, डेड विचारों को इधर से उधर ले जाते हो, उसी तरह से तुम मेरे भी डेड विचारों को, दुखी विचारों को हटाओ, क्विक इन अ न्यू बर्थ, और मुझे एक नई शक्ति दो। एंड बाई द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हीट एशेज एंड स्पार्क्स माई वर्ड अमन मैनकाइंड, और जैसे तुम्हारी वजह से पूरे यूनिवर्स के अंदर नई कोपलें उगती हैं, और जिसको कहते हैं यूनिवर्स और प्रकृति की ताकत वापस नए सिरे से आती है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी शक्ति दो, और मैं मेरी कविताओं के माध्यम से पूरे मैनकाइंड में एक शक्ति, एक ऊर्जा और एक पॉजिटिविटी फैला सकूँ। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ, मेरे होठों से यानी मेरे शब्दों से तुम द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और कवि कहते हैं, कवि इस कविता को एक क्वेश्चन मार्क, एक रिटोरिक से एंड करते हैं और कहते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ को उन्होंने दिया है विंटर की सिमिली, यानी जब बहुत ठंड पड़ती है, यानी जब जीवन में गहरे डार्क विचार आते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जो ये चार सीजन्स हैं, चार मौसम होते हैं, वो एक के बाद एक तो आते ही हैं, अनवरत आते ही चले जाते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। उसी तरह से अगर विंटर आया है, यानी मुश्किल समय आया है, तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, स्प्रिंग यानी जो सबसे खुशनुमा मौसम होता है बसंत का, वो क्या पीछे रहेगा? नहीं, विंटर चला जाएगा और उसके बाद स्प्रिंग आएगा। तो एक उम्मीद के साथ कवि जो है अपनी कविता का अंत करते हैं, सारी मानवता को उम्मीद देते हैं, लेकिन उसके लिए उनको किसकी मदद चाहिए? वेस्ट विंड की ताकत की मदद चाहिए।